ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ और हैप्पी होंगे। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान को अपने बच्चे मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। जैसे माँ को अपने बच्चे खिलखिलाते हुए अच्छे लगते हैं ना, वैसे प्रभु को भी अपने भक्त जो हैं वो मुस्कुराते हुए ही पसंद हैं, क्योंकि मुस्कुराने वाला व्यक्ति हर प्रॉब्लम को फेस करने में माहिर होता है। कितनी ही बड़ी परिस्थिति खराब हो जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो, वो मुस्कुराता हुआ हर एक चीज़ को अच्छे से कर लेता और टेंशन में आकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए आपको समझा रही हूँ कि चिंता करनी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलता चिंता करके, आप जानते तो हो ना। फिर मत करना चिंता, प्रॉब्लम है जानते हैं, लाइफ से चली जाएगी। हर एक चीज़ जाती है, आती है, आती है, जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, इसका भी जाना तय है, आज नहीं तो कल इसने जाना ही है। तो बस फिक्र ना करें, साईं जी का नाम लीजिए। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको पता लग चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, समझा देती हूँ कि आपको ये चीज़, वो होता है ना कि जब हम किसी चीज़ में बंद कर कोई काम करते हैं तो हम कर लेते हैं, बट जब हम किसी चीज़ को ऐसे लाइट ले लेते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, तो वो चीज़ भी हमारी तरफ लाइट हो जाती है, उसका जो प्रभाव है वो भी हल्का पड़ जाता है। इसलिए हल्का नहीं लेना है, आपने किसी चीज़ को सीरियसली लेकर के उसको करना है। अब आपने करना क्या है, आप 7 दिन, 11 दिन या 21 डेज़ का एक संकल्प ले लो, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन का ले रहे हो। 5 डेज़ का ले लो, बट ज़्यादा दिन का लोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा असर होगा। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है, या तो 5 डेज़, 7 डेज़, 11 डेज़ या फिर 21 डेज़, ठीक है? या फिर 1 मंथ का रख लो आप, जितने दिन भी आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो एक आदत बनानी है आपने, क्योंकि जिस दिन आपकी आदत बन गई ना, उसके बाद आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा यस, मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो रही है, प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको, ठीक है? तो इसको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपसे तभी कुछ शेयर करती हूँ जिस उम्मीद से, इस भरोसे से कि आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, ठीक है? आपने क्या करना है, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, पर आज कुछ नए तरीके से शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा आपके साथ बांटना, इस चीज़ को शेयर करना ज़रूरी है। आपने क्या करना है, आपको मैं ये पहले बता चुकी हूँ, शायद आप करते भी होगे, बट फिर भी आपने क्या करना है, आप जिस वक्त भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जिस वक्त भी करते हैं अपने डेली रूटीन में, जो भी टाइम आपका पूजा पाठ का है, ठीक है, उस टाइम आप तो करते ही करते हैं, पर रात को सोने के 5 मिनट पहले, रात को सोने के 5 मिनट पहले आपने अपने दिन में हुई सारी बातें, जो भी हुआ आपके साथ, जो आपने किया, जो किसी ने आपके साथ किया, वो सारी चीज़ें आपने अपने बाबा के फ़ोटोग्राफ्स, जिन भी जैसे आपके फ़ोन में हैं, आप सोने जा रहे हो उसके 5 मिनट पहले ही करना, उसके ज़्यादा नहीं, टाइम पहले मत करना, सोने के 5 मिनट पहले, उसके बाद आपने सो ही जाना है, ठीक है? आपने अपने बाबा से जिस भी स्वरूप से आपको बात करना अच्छा लगता हो, लेकिन एक ही स्वरूप रखिएगा आप, उस एक स्वरूप से आपने अपने दिन की सारी बातें शेयर करनी है, ठीक है? 7 दिन लगातार करो, 11 दिन करो, 21 दिन करो, फुल मंथ करो, हाफ मंथ करो, जैसा भी आपको ठीक लगता है, ठीक है? आपने मान लो, चलो 11 डेज़ मान लिया, बाबा से बातें शेयर करी, जो हुआ, जैसा हुआ, जो आगे कल करने वाले हो वो भी उनको बताना कि बाबा मैं कल ये करने वाला हूँ। जैसे लाइक एक फ्रेंड से हम बात करते हैं ना, यार मुझे कल ये करना है, यार आज ऐसा हो गया था मेरे साथ, कल मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपने एक फ्रेंड समझकर अपने बाबा के साथ शेयर करनी है, ओके? आप शेयर करो, उसके अगले दिन का आपको अनुभव मिलेगा, फिर आके आज रात को आप शेयर करना। 11 दिन करो, 21 दिन करो, आप करने के बाद देखना कि आपकी लाइफ में बदलता क्या है। एक तो आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, पूरी ईमानदारी से और श्रद्धा से कीजिएगा, क्योंकि फ़र्क तभी पड़ेगा जब आपके मन में भी वो प्यार होगा, है ना? क्योंकि भले भगवान से रिलेशन है, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक भी होते हैं और बहुत प्यारे भी होते हैं, लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि हम इन्हें चालाकी से चला रहे हैं या फिर प्यार से चला रहे हैं, क्योंकि चालाकी की चीज़ बहुत कम सीमा होती है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन प्यार की चीज़ की लाइफ ना बहुत लंबी होती है, लाइफ टाइम होती है वो। तो आपने श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है और प्यार रखना है अपने बाबा के लिए,
ओके। तो आपने जितने भी दिन आपने संकल्पित आज संकल्प लिए, कल लेना, परसों लेना, जब भी आपको लेना हो आप लेना, और संकल्प से अपने बाबा के साथ हर एक चीज़ वो शेयर करना एवरी डे। और शेयर करने के बाद आप सो जाइएगा। और ये मैंने अपनी लाइफ में किया है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको एक या दो दिन बीच में बाबा सपने में भी आएंगे, मुझे ऐसा फील हुआ इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपकी जो चीज़ें आपको लगती थी ना कि इम्पॉसिबल है तो होगा नहीं, देखना फिर कैसे वो होनी शुरू हो जाएंगी, कैसे वो बदलाव होगा, कैसे जीवन बदलेगा और कैसे आपके अंदर एक हिम्मत सी आएगी। आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है जो मेरे काम को उतना ही सीरियस लेता है जितना कि मैं ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। आप देखना, फील करोगे आप, और फिर आके मुझसे शेयर करना कि वाकई क्या चेंज हो रहा है लाइफ में। ठीक है, आप शेयर करना, मैं भी करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मेरे साथ शेयर करना, और पूरी फैमिली के साथ हम इस जो एक्सपीरियंस को है सबके साथ शेयर करेंगे एक दिन लाइव में कि यस हमने ये चीज़ को बदला है अपनी लाइफ में। ठीक है, कि बाबा अगर आपको गुस्सा आता है तो वो भी बाबा से कहना कि बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से को मैं कम करना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है, प्लीज़ मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे साईं, इस चीज़ में आप मेरी हेल्प कीजिए। जब आप अपनी सारी बातें उनसे कहते हो ना तो वो सुनते हैं, समझते हैं और उसमें आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो दिखाएगा थोड़ी ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, वो किया, ये इंसान दिखाते हैं, भगवान जी नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये आज से स्टार्ट कर लो, कल से कर लो, जिस दिन भी आपको ठीक लगता है आप उस दिन से स्टार्ट करो। 7 डेज 21 डेज 11 डेज जितना भी आपको ठीक लगता है आप इन दिनों को चूज़ कीजिए, और ऐसा करने से आपकी लाइफ में आपको बदलाव महसूस होता है तो इसे आप शेयर करें, दूसरों से भी बताएं, ताकि अगर हमारी लाइफ में बदलाव आ रहा है, ज़िंदगी बदल रही है, मैजिक हो रहा है, चमत्कार होने लग रहे हैं, तो हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी को भी संवारेंगे, दूसरों की भी संवारने की कोशिश करेंगे, तो पूरी उम्मीद से, विश्वास से इस अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी और दुगना असर मिलेगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप भरोसे से करते हो ना तो वो आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर आप विश्वास से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अधूरा सा लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, विश्वास से कीजिए, साईं पर भरोसा रखिए, बाबा पर भरोसा रखिए, अपने श्रद्धा पर भरोसा रखिए, अपने भरोसे को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो ना होने वाला कार्य है वो भी होने लग जाए, जो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था उसका भी रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। तो करके देखिए और फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा हमें ज़रूर इसका फल देंगे और बाबा हमें ज़रूर, हम पर सभी पर कृपा होगी श्री साईनाथ महाराज की। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।